पांच साल पहले देश में चौकीदार आया, देश में चौकीदार आया, कहता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, 56 इंच की छाती है, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, मोदी 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 मोदी, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना दिल्ली में, कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना, चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार, 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 जैसे भी कहना है आप, चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। जब प्रधानमंत्री की फोटो ली जाती है, चाहे वो ओबामा जी के साथ हो, चाहे वो चाइना के राष्ट्रपति के साथ हो, वहां आपको कोई और नहीं दिखाई दे सकता, अकेले। एसपीजी के भी लोग नहीं दिखाई देंगे आपको वहां पर, सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तो झूला झूल रहा था वहां पे, प्रेस वाले फोटो ले रहे थे, जूम इन कर रहे थे, और दूसरी साइड ढोकलाम में चाइना की आर्मी घुस रही थी। कांग्रेस पार्टी ने 4 सवाल पूछे। आपने भ्रष्टाचार की बात की थी, तो एचएल को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। उधर नरेंद्र मोदी भाषण में कहते रहते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर आप उनकी शर्ट के पीछे देखोगे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, जूते के नीचे देखो, मैं गारंटी देता हूं, जूते के नीचे देखो, उनके सेलफोन के पीछे देखो, जिससे वो सेल्फी लेते हैं, मेड इन चाइना। बस में किसने बम किसने फाड़ा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पुलवामा में अगर बम ब्लास्ट हुआ, जरूर पाकिस्तान के लोगों ने, जैश ए मोहम्मद ने करवाया, मगर मसूद अजहर को बीजेपी ने जेल से छोड़ा। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। जैसे ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं नहीं हटने वाला, क्या करोगे, नरेंद्र मोदी घूम के चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा डर की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, और आप लोग निडर, कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो जितना मारना है, दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। देखिए सीधी सी बात है, और यह निर्णय आपको करना है, सीधी सी बात है, देखिए आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हो या गोडसे का हिंदुस्तान चाहते हो,
एक तरफ प्यार भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत। कांग्रेस पार्टी के बूथ वर्कर से मैं कहना चाहता हूं, देखिए यहां पे 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जीतनी है। बूथ पे आप कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, चौकीदार जी की बात कीजिए, आम आदमी की बात कीजिए और बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली और हिंदुस्तान को बदल सकती है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।